टू अनदर व्लॉग। और आज हमारी मम्मी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं बाजार, मतलब मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अगर मम्मी का बर्थडे है तो फिर मम्मी बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, फिर खाएंगे तो। इसलिए हम बाहर जा रहे हैं मार्केट में। और वहाँ पे मम्मी कहाँ चलना है आज? ओलिविया। तो गाइज, ओलिविया कह रही है मम्मी, और देखते हैं कि कहाँ जाएंगे हम। लेट्स गो। नुन्नू द प्लेयर। नुन्नू दी, हां जी। तुम दोनों में छोटा कौन है? नुन्नू छोटा है। नुन्नू हेलो बोल दे। नुन्नू का नाम नुन्नू है। कैसे चलना? साइकिल से? पैदल। मम्मी क्या देख रही हो बाहर? सीलिंग। गाइस, इन्होंने हमारा शीशा साफ कर दिया। ये फैसिलिटी अच्छी होती है पेट्रोल पंप पे। सबसे पहले ना ओलिविया की बेकरी है, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से ना एक छोटी सी केक टाइप छोटा सा ले लेंगे, ताकि हम अंदर उसको रेस्टोरेंट में बैठ के सेलिब्रेट कर सके। आओ बेकरी दिखाता हूँ आपको बढ़िया सी, देखो। एक तरीके से हेजलनट, ये देख सकते हैं आप, इनके आगे टैग लिखे हुए हैं। ये स्वीट टाइप है और बेकरी में, यहाँ पर काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में ना, ये बढ़िया चीज़ है। ये है कोकोनट बॉल, कोकोनट स्ट्रॉबेरी, ये देखो, ये मोडक आलमंड रॉक चॉकलेट, ऑरेंज बेल्जियम चॉकलेट बार वगैरह, ये सब इनकी खुद की यहाँ की है बेकरी टाइप्स। आगे भी है, ये देखो। और भी अलग अलग सेक्शंस हैं, आओ दिखाता हूँ आपको अलग अलग सेक्शंस। देखो, सारे सेक्शंस दिखाता हूँ। कॉफी मशीन है, ठीक है, इस तरीके की कुछ कॉफी। तो अभी ओलिविया में आओ तो ऐसे देख लेना, डेफोडिल हॉल और गार्डन नीचे है, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है और सेकंड फ्लोर पे रेस्ट रूम और थर्ड फ्लोर पे स्काई लॉन्च। ओके, दो जगह रेस्टोरेंट है, एक है स्काई लॉन्च और एक है नॉर्मल रेस्टोरेंट। तो हमें रेस्टोरेंट स्काई लॉन्च जो है वो थर्ड फ्लोर पे है, तो हम सोच रहे कि थर्ड फ्लोर पे चले, थर्ड फ्लोर पे जाके बैठ। स्काई लॉन्च है और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सारा सेटअप थोड़ा सर्दियों टाइप का है, यहाँ पे अभी मतलब गर्मियों के लिए, बट यहाँ ना फैमिली के साथ ज़्यादा सही नहीं है, फैमिली के साथ नीचे रेस्टोरेंट में ज़्यादा बढ़िया है। रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल है फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, अल्कोहल वगैरह का भी यहाँ पे प्रोग्राम हो सकता है ना, तो इसलिए फिर कोई भी आ सकता है, तो इसलिए नीचे चल के खाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना डिनर वगैरह करेंगे बढ़िया, और छोटा सा एक केक भी लाएँ तो वो भी काटेंगे। तो रेस्टोरेंट में चलते हैं, रेस्टोरेंट दिखाता हूँ आपको। और लाइट, यहाँ बैठना, फोटो थोड़ी खींच रहा हूँ। अच्छा, तो फोटो खींच रही थी क्या? ये अपनी सीट, और सीट दिखाते हैं आपको, और एम्बियंस दिखाते हैं, एम्बियंस कैसा है यहाँ पे। फुल फैमिली डाइनिंग स्पेस भी है यहाँ पे, मतलब अगर फैमिली बड़ी है तो भी यहाँ पे आराम से आपका डिनर वगैरह हो जाएगा बढ़िया। पनीर बटर मसाला, पनीर टकाटक टकाटक अच्छा होगा बाकी। देखने दे इसमें क्या है, डाइसेस ऑफ कॉटेज चीज को कर दिया, और तब तक एक केक लेके आए हैं और वो केक काट देते हैं। मम्मी लो, खोलो मम्मी। फ्रूट केक है ये देखो, ऐसा कुछ। मम्मी वो कहाँ है? वो
नाइफ नहीं दिया उसने? नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मम्मी काटो, हैप्पी बर्थ, हैप्पी बर्थडे, तो ताली मुंह से तो बोल दे हैप्पी बर्थडे। बहुत बढ़िया। केक सेरेमनी चलती हुई बाबा जी मम्मी का ही बर्थडे है बस। अच्छा खाना तो भी खाया नहीं, ऐड में रख दिया, खाने के बाद खाएंगे। खाने की तैयारी हो गई है, खाना दिखाता हूँ आपको। प्लेट लग गई है, सिरके वाली प्याज है, अचार है और हरी चटनी है। और गाइस हमारा खाना आ चुका है और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। नान और लच्छा पराठा और साथ में ड्राई मंचूरियन मैंने मंगाया क्योंकि मुझे खाना था। और हमने मंगाया है पनीर बटर मसाला क्योंकि आपको बताते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। अच्छा पूछा था तुमसे लेकिन हमने बता दिया। ड्राई मंचूरियन के लिए मना कर रहे थे और मैंने मंगा लिया और अब सब कह रहे हैं और पापा जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगता है ये, अच्छा है। मैं खा के बताता हूँ कैसा है, रुको। टेस्ट अच्छा है इसका भी, बढ़िया मंचूरियन अच्छा है। कैसा है? बहुत टेस्टी। पनीर की सब्जी अच्छी है? दोनों बेस्ट है। और हरी मिर्च तो मेरी फेवरेट है। मम्मी बताओ खाना अच्छा है? बहुत बहुत अच्छा है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की मम्मी, पानी बोल रही है। रुमाली रोटी मंगाई है और मुझे भी रुमाली रोटी काफी अच्छी लगती है। रुमाली रोटी खोलियो, जल्दी खोल, बहुत फ्रेशनर जो खाने के बाद मिलता है। सारे सारे भर लिए इसने गाइस। भर लिए क्या होता है, ये सारे गाइस यही करते हैं। नहीं कोई गाइस इतना सुधरा नहीं कि छोड़ के आएगा होटल। A few moments later. डिनर के बाद यहाँ फोटो सेशन हो रहा था गाइस काफी। ये देखो जब गाइस ये लाल कुर्ती वाली मार्केट है, उधर ट्रक ट्रक खड़े थे और यहाँ पे दिन में पैर रखने की जगह नहीं होती और यहाँ को गाड़ी निकल रही है आज बहुत ही स्पीड में और वो भी अच्छी खासी स्पीड में। यहाँ पे एक के ऊपर एक आदमी रहता है। डिनर करके और खा पी के और उसके बाद हम आइसक्रीम खा के हम आ चुके हैं अपने घर। और बढ़िया रहा, मतलब हमने वहाँ पे डिनर करा बराबर में से, क्या कहते हैं बेकरी पे से पेस्ट्री वगैरह वो केक टाइप लिया और उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली और उसके बाद घूम लिए गाड़ी में। तो एक अच्छा मतलब हमारी आउटिंग सी हो गई, डिनर भी हो गया, आउटिंग सी भी हो गई और काफ़ी बढ़िया मज़ा आया। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग है और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।